बार्क रेटिंग की टॉप 10 लिस्ट में एक भी रियलिटी शो नहीं है। रियलिटी शोज का रियल नहीं रहना कम टीआरपी मिलने की सबसे बड़ी वजह है। अब इन शोज में फेक ड्रामा, कंटेस्टेंट की गरीबी, इमोशनल स्टोरीज को बुनाया जा रहा है। समय आ गया है मेकर्स रियलिटी शोज में सच्चाई पर फोकस करें। रियलिटी शोज बस नाम के रियल रह गए हैं, तभी इन्हें टीआरपी नहीं मिल रही है। इन दिनों इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, डांस दीवाने को लेकर सोशल मीडिया पर बज है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बार रेटिंग के टॉप 10 लिस्ट में एक भी रियलिटी शो नहीं है। अनुपमा नंबर 1 बना हुआ है, गुम है किसी के प्यार में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, झनक, इमली, पांड्या स्टोर, तेरी मेरी डोरियां टीआरपी में टॉप पर हैं। दूर दूर तक रियलिटी शोज का नाम नहीं है। भूले भटके कहीं 19वीं रैंक पर कलर्स का शो डांस दीवाने 1.3 इंप्रेशंस के साथ बना हुआ है। अब इसे क्या कहेंगे, रियलिटी शोज को ऑडियंस की इतनी खराब रेटिंग शायद ही इससे पहले मिली होगी। साफ नजर आता है दर्शकों की पहली पसंद सास बहू ड्रामा हो चुके हैं। रियलिटी शोज का रियल नहीं रहना कम टीआरपी मिलने की सबसे बड़ी वजह है। अब इन शोज में फेक ड्रामा, कंटेस्टेंट की गरीबी, इमोशनल स्टोरीज को बुनाया जा रहा है। मेकर्स और जजेस भी कंटेस्टेंट्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें हाईलाइट करने में लगे हैं। कंटेस्टेंट के साथ उनकी फैमिलीज भी शो का हिस्सा बन रही हैं। इंस्टेंट शो खतरों के खिलाड़ी पहले रियल था, बस एक्शन होता था, लेकिन अब यहाँ भी बिग बॉस खिलाड़ियों को बुलाकर लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं। स्टंट पर कम फोकस कर बाकी एंगल्स को पिच किया जा रहा है। बिग बॉस तो कई सालों से अच्छी टीआरपी के लिए तरस गया है। बिग बॉस 17 में तो ऐसा कुछ हुआ जिसका रियलिटी से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। सिलेब्स की पर्सनल लाइफ की शो में धज्जियां उड़ी। फैंस ही नहीं सिलेब्स भी अब बिग बॉस के कंटेंट को ट्रोल कर रहे हैं। झलक दिखला जा इंडियन आइडल कम टीआरपी की वजह से इस सीजन जल्दी ऑफ एयर हो रहे हैं। एक वक्त था कि सास बहू ड्रामा से लोग तंग आ गए थे, उनके रिपीटेटिव कंटेंट और इमेजिनेशनल को ट्रोल किया जा रहा था। उस दौर में रियलिटी शोज को जबरदस्त बूम मिला था, लेकिन अब पासा फिर से पलटा है। 2024 में लोग रियलिटी शोज को छोड़ सास बहू ड्रामा देखना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहले से ही जानते हैं डेली शोज में ड्रामा और फिक्शन होना ही है। लेकिन ऐसा नाटक अब रियलिटी शोज में भी होगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बूम करने से ऑडियंस के पास एंटरटेनिंग कंटेंट की कमी नहीं रह गई है। रूरल एरियाज में आज भी घर की महिलाएं रियलिटी शोज से ज्यादा सास बहू शोज को देखना पसंद करती हैं। फैंस को लगता है कि अब समय आ गया है मेकर्स रियलिटी शोज में सच्चाई पर फोकस करें, साइड एंगल्स को अवॉइड कर थीम पर डटे रहें, वरना इन शोज को यूं ही ऑडियंस की इग्नोरेंस झेलती रहनी पड़ सकती है। आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।